नमस्कार, मैं हूँ गार्गी पंडित यानी कि प्रियंका। और जिस चीज़ पे आज मैं पर्सनली जिस चीज़ पे बात करना चाहती हूँ, ये फिल्म से हट के है, क्योंकि हर बार तो हम फिल्म के बारे में बात करते ही हैं कि आज हमारी ये फिल्म रिलीज़ हुई, हमने आज इस फिल्म की शूटिंग की, बट आज हम कुछ और डिफरेंट मुद्दे पे बात करेंगे। जी बिल्कुल, उसी चीज़ पे बात करती हूँ मैं। क्यों देख रहे हैं, कठुआ कांड आपको पता होगा, फिर सासाराम, फिर उन्नाव, सूरत और रोहतास, मतलब बहुत सारी जगहों पे आजकल जो चीज़ें फैल रही हैं, यू नो, रेप की जो चीज़ें हैं, ये बहुत ही सेंसिटिव मैटर है। तो आज का मैं कहना चाहती हूँ, सिर्फ गवर्नमेंट से मेरी अपील है, क्योंकि हम वोट देते हैं तो आई थिंक हमें बोलने का भी हक होता है कि हम बोल सकते हैं कि क्या चेंजेस आने चाहिए। अगर आपके पास गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, अगर आपको कंफर्म हो जाता है कि वो रेपिस्ट है, उसने रेप किया है और सारे सबूत हैं, सारे गवाह हैं, तो आपको आई थिंक फांसी देनी चाहिए। सब पब्लिक यही डिमांड करती है। और रेप के केस थोड़े जल्दी सॉल्व होने चाहिए, क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है। अगर हम लीगली देखें तो आई थिंक 3 से 4 साल केस को सॉल्व करने में हो जाता है, उससे भी ज़्यादा भी हो जाते हैं। जैसे कि निर्भया कांड को काफ़ी टाइम हो गया है और मुझे नहीं लगता उन लोग को फांसी की सज़ा दी, उसमें से एक का तो डेथ भी हो गया है। तो मुझे लगता है ये चीज़ को थोड़ा गवर्नमेंट को सीरियस लेना चाहिए, क्योंकि जो अभी की जो चीज़ें हो रही हैं, आप बिलीव नहीं कर सकते, 10 साल से कम उम्र की बच्चों के साथ हो रहे हैं, जो बहुत बड़ा सेंसिटिव मैटर है। मतलब 10 साल से कम उम्र की बच्चियां, 8 साल 6 साल की बच्चियों के साथ अगर रेप हो रहा है, तो ये बहुत ही बड़ा सेंसिटिव मैटर है। और जब आप लिस्ट निकालेंगे तो आपको पता चलेगा, एक दिन में, एक मिनट के अंदर मेरे ख्याल से 40 से 50, 60, उससे ज़्यादा ही रेशियो जाते हैं रेप के। तो गवर्नमेंट अगर अब सीरियस नहीं होगी तो ये मैटर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि बच्चियों को हम अकेले कहीं भेज भी नहीं सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव मैटर है सबके लिए, और मुझे लगता है इसमें पब्लिक को भी स्टैंड लेना चाहिए, हम आर्टिस्ट को भी स्टैंड लेना चाहिए, क्योंकि जब तक हम आगे नहीं आएंगे तब तक मुझे नहीं लगता कि और स्ट्रिक्ट, क्योंकि ये चीज़ गवर्नमेंट तक पहुंचनी चाहिए। गवर्नमेंट को पता है कि ये सारी चीज़ें हो रही है, लेकिन अभी भी वो सीरियस नहीं है इन सब चीज़ों को लेके, कि उनको अभी भी ऐसा नहीं लगता है कि रेप के लिए कोई स्ट्रिक्ट कदम उठाने चाहिए। तो मैं एनजीओ से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप ये देख रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप तक पहुँच रहा है, तो मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ इसको और ज़्यादा सीरियस लेके जाइए और आगे तक लेके जाइए, क्योंकि आप लोगों एनजीओ के पास पहले चीज़ तो बॉलीवुड स्टार का सपोर्ट होता है, नेता पॉलिटिशियंस के सपोर्ट्स होते हैं। नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने बोला था कि कोई भी बलात्कारी हो या फिर हत्या या कोई गुंडागर्दी कोई भी करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। जी, उन्होंने सिर्फ ये कहा था, लेकिन इस पे अमल नहीं किया। हम लोगों ने वोट उन्हें ये सोच के दिया था कि शायद चीज़ें इम्प्रूव होंगी, जो इससे पहले गवर्नमेंट में हुई थी वो यहाँ शायद रिपीट नहीं होंगी, लेकिन बहुत दुख की बात है कि यहाँ पे भी वही हो रहा है। आई थिंक जो भी दो पॉलिटिशियंस, जो भी दो पार्टी है, उनको अपना मन मुटाव छोड़ के इस सीरियस टॉपिक पे आई थिंक कदम उठाना चाहिए। ये टाइम है कि सबको एक होना चाहिए, ना कि मैंने हमारी पार्टी में हमारे टाइम पे ये हुआ, ये गवर्नमेंट बोल रही है हमने हमारे टाइम पे ये किया। तो ये टाइम नहीं है कि आप ये सब चीज़ों पे डिस्कशन करें, ये टाइम है कि आप एक स्टैंड लें, क्योंकि आपके देश की बच्चियों के साथ गलत हो रहा है। जब तक आप लोग स्टैंड नहीं लेंगे, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करती हूँ, जब तक गवर्नमेंट एक बहुत बड़ा कदम नहीं उठाएगी, ये चीज़ें होती रहेंगी। 6 दिन हो गए हैं, 7 दिन हो गए हैं उन्नाव केस को, लड़की 1 साल से लड़ रही है केस, अभी तक वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है और ना ही पुलिस उनका मतलब बयान ले रही थी, चीज़ें ले रही थी। सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बता दूं, आप सुन के शॉक्ड होंगे कि जब किसी लड़की के साथ रेप होता है, वो पुलिस स्टेशन जाती है, तो पहली चीज़ कि पुलिस केस दर्ज नहीं करती, बहुत ही नॉर्मल उस चीज़ को लेती है। नहीं, ये टाइम नॉर्मल होने का नहीं है, स्ट्रिक्ट होने का है। एक साल के बाद उन्नाव केस का मैटर जब मीडिया में आया, तब सब गवर्नमेंट, सब पॉलिटिशियन ने कहा कि नहीं हम स्टैंड लेंगे। तो 1 साल पहले आप कहाँ थे? घटना के बाद भी अभी कश्मीर में बहुत बड़ा मुद्दा हुआ, फिर भी बहुत सारी घटनाएं, कोई भी गवर्नमेंट ने मैं वही कहना चाह रही हूँ, मतलब आप सोचिए, उन्नाव का केस आया, उन्नाव के केस के बाद कठुआ का मैटर सामने आया। कठुआ का मैटर क्या है, अभी भी क्लियर नहीं हो पा रहा है, अभी भी कंफ्यूजिंग चल रहा है, लेकिन उसके जस्ट नेक्स्ट डे सासाराम, बाद में सूरत, अभी रोहतास कल हुआ, 2 बहनों के साथ हुआ है रेप हुआ है, और सेम मतलब रेप करके मार दे, खास करके 8 साल 10 साल के बच्चे के साथ ज़्यादा हो रहा है। जी बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। इस मामले में आई थिंक बीजेपी के कुछ पॉलिटिशियन ने कहा था कि अगर 12 साल की कम लड़की के साथ रेप होता है तो फांसी की सज़ा होनी चाहिए। मैं इस पर भी ऑब्जेक्शन उठाऊँ, 12 साल से कम क्यों?
रेप के लिए फांसी चाहिए, फिर वो 12 साल की लड़की हो, 20 साल की हो, 25 साल की हो, 80 साल की हो, फांसी की सज़ा होनी चाहिए अगर क्लियर हो जाता है कि सामने वाला रेपिस्ट है तो। पहली चीज़, ये चीज़ का जब ऑब्जेक्शन लिया था सोशल मीडिया पे, मैंने अपने फील्ड में से मैंने सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्शन लिया सोशल मीडिया पे इस चीज़ को लेके, तो मुझे लिटरली धमकी आनी चालू हो गई मैसेज पे, कमेंट्स में, कि आप हीरोइन है, आपको बोलने का हक नहीं है। बिल्कुल ऐसा नहीं, मुझे बोलने का हक है क्योंकि मैं वोट देती हूँ और मैं भारत देश की नागरिक हूँ, तो मुझे भी बोलने का उतना ही हक है जितना बाकी लोगों को है। और लिटरली आप सोचो कि आपको अगर मैसेजेस में धमकी आने लग गए कि आप ऐसा पोस्ट आगे से नहीं करेंगी, नहीं तो हम ये कर देंगे, हम आपको बाहर नहीं निकलने देंगे, तो ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग है कि आप अपना स्टैंड भी नहीं ले सकते। और बीजेपी का गवर्नमेंट होने के बाद भी लड़कियां उतनी ही ज़्यादा अनसेफ है, उनके लोगों से ही अनसेफ है, क्योंकि उन्हीं के लोग आपको धमकी देने लगते हैं कि आप पोस्ट मत कीजिए, आप मत बोलिए। क्यों नहीं बोलेंगे, हमको हक है बोलने का। और आज इतनी सारी घटनाएँ हो रही हैं, मीडिया सिर्फ एक बार हेडलाइन दिखाती है, हेडलाइन दिखाने के बाद भूल जाती है, फिर सेकंड टाइम आप रिपीट नहीं देखोगे। सिर्फ हेडलाइन तक मत रखिए, हेडलाइन से आगे भी बढ़िए, आपको उस चीज़ को लेके जाना पड़ेगा। बट नहीं, चल रहा है जैसा चल रहा है, उनको अभी भी शायद वेट कर रहे हैं कि और लड़कियों के साथ हो जाए, उसके बाद आई थिंक कोई स्टैंड लेंगे। जो बीजेपी के कार्यकर्ता औरतें हैं उनसे आप क्या कहेंगे, क्योंकि आप खुद एक औरत हैं और औरत का रेप हो रहा है? बिल्कुल, मैं हाथ जुड़ के पहली चीज़ तो रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सबसे पहली चीज़ ये हिंदू मुस्लिम जो चल रहा है ट्रैक, उसको ख़त्म कीजिए। एक हिंदुस्तानी बनिए, और जितने भी बीजेपी की फीमेल पॉलिटिशियंस हैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ अब आगे आइए, क्योंकि इससे पहले वाले में तो आप लोगों ने बहुत ऑब्जेक्शन उठाए थे, धरना धर लिया था। मैंने स्मृति ईरानी जी का भी देखा है कि वो रैली उन्होंने निकाला था, ऑब्जेक्शंस लिए थे। तो आई थिंक अब अगर आपकी गवर्नमेंट में अगर ये हो रहा है, तो या फिर आप लॉ चेंज करने के लिए कुछ दबाव डालिए, या फिर आप आगे आइए। क्योंकि जितना आप दूसरे पार्टीज़ की अगर आप आगे आते हैं, तो अगर आपकी पार्टी के टाइम पे अगर ये चीज़ होता है, तो उस वक्त भी आपको आगे आना चाहिए। जी बिल्कुल, अभी तो पहले तो ऑलरेडी इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए थे, क्योंकि कंटिन्यू इतने दिनों से जब न्यूज़ चैनल चालू करो तो ये सारी चीज़ें ही आती थी। फिलहाल मैं बता दूँ कि मेरी एक फिल्म रिलीज़ होने वाली है, फिल्म का नाम है आवारा बलक, जो बहुत जल्दी रिलीज़ होगी। उसका ट्रेलर आउट है और भोजपुरी ऑडियंस ने काफ़ी ज़्यादा उस ट्रेलर को प्यार दिया है। फिर एक और फिल्म का ट्रेलर रिलीज़ हुआ था, फिल्म का नाम था राम अली, उसका भी ट्रेलर रिलीज़ हो गया, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स था। बहुत जल्द ये दो फिल्म रिलीज़ होने के चांसेस हैं। और कौन सी फिल्म आ रही है? जी मैं अभी फिल्म की शूटिंग कर रही हूँ, दुल्हन चाहे पाकिस्तान से 2, पार्ट 2 है ये, पार्ट 1 बहुत बड़ा हिट था उस टाइम का, और इस फिल्म के डायरेक्टर राजकुमार पांडे जी। अभी इस फिल्म की शूटिंग कर रही हूँ, और नेक्स्ट फिल्म होगी मेरी सात सहेलियाँ 2, इसके डायरेक्टर भी राजकुमार पांडे जी हैं। अनाउंसमेंट हो गया है, आई थिंक नेक्स्ट मंथ से शूटिंग स्टार्ट। आज वांटेड का ट्रेलर रिलीज हुआ, और आप कौन सी भी नाते कोई फिल्में आपकी जहाँ तक मुझे उन्होंने कर रही हैं, क्या नाम है बताएंगे? जी नहीं, अभी तो ऐसा कुछ नहीं आया है कि पवन जी के साथ काम कर रही हूँ, बातचीत चल रही। आई होप सो अगर वर्कआउट होता है तो आई थिंक हम लोग। नहीं, आपकी जो शूट हो चुकी है उनके साथ एक फिल्म पवन जी के साथ? जी पवन जी के साथ मैंने कर्ज विरासत के किया था, उसके बाद आई थिंक मैंने पवन जी के साथ 2-2.5 साल से कोई काम नहीं किया है। मौका आते 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 रह जाता है, कि अभी जैसे सब कुछ डन हुआ फिर कुछ होके हो जाता है। आई होप सो 2-2.5 साल के बाद फिर शायद पवन जी के साथ काम करने का मौका मिलेगा। और कौन कौन सी फिल्म आपके रेडी है जिसमें शूटिंग कर चुकी है? दुल्हन चाहे पाकिस्तान की शूटिंग कंप्लीट कर चुकी हूँ, सिर्फ 4-5 दिन का काम बाकी है, सिर्फ गाने के पोर्शंस कंप्लीट करने हैं, जिसकी शूटिंग करने को चाहते हैं। किस हीरो के साथ सबसे ज़्यादा कंफर्ट आपको लगता है काम करने में? सब लोगों के साथ, बट सबसे ज़्यादा कंफर्ट, कंट्रोवर्शियल सवाल पूछते हैं, कह सकते हैं आई थिंक अरविंद अकेला कल्लू जी हैं, रितेश पांडे जी हैं। मैंने इन लोग के साथ, इन दोनों के साथ मैंने बैक टू बैक। अभी आवारा बल्ला में जो आपके जो सीन वायरल हुए हैं, बहुत ही कम कपड़ों में जो चल रहे हैं गाने, बहुत ही कम कपड़े नहीं कह सकते, कपड़े पहने हैं, बहुत सेक्सी हॉट लग रही हैं आप उसमें, लेकिन वो डिमांड था तो, क्योंकि वो स्टोरी ही ऐसी है तो उसका रिक्वायरमेंट था, अदरवाइज मैं बहुत जल्दी एक्सपोज। क्या गाने की थीम कुछ बताएंगे लाइन? हाँ, गाने की लाइन है कि कहवन फिल्टर के पिए लूं तू पानी, ए रानी तोहर पहले जवानी। अच्छा, मुझे गाना गाना आता नहीं है, बट ये अच्छा, फिल्म में कल्लू को आप पटा रहे हैं, कल्लू आपको पटा रहा है? हाँ, लव ट्रायंगल है ना फिल्म के अंदर, लव ट्रायंगल है तो ऑफ कोर्स मैं पटा रही हूँ, क्योंकि वो कैरेक्टर ही ऐसी चुलबुली सी एकदम जिद्दी लड़की का है, तो मैं कल्लू जी को पटा रही हूँ, वैसा है।
इसलिए आप ट्रेलर में देखेंगे तो ट्रेलर में सिर्फ एक ही गाना दिया है, वो भी हॉट सेक्सी सा। फिल्म के डायरेक्टर बारे में क्या कहेंगे? हाँ जी, फिल्म के डायरेक्टर हैं चंदन उपाध्याय जी, और वो उनकी ये इनकी फर्स्ट डायरेक्टोरियल फिल्म है, तो बहुत अच्छा डायरेक्शन किया है चंदन उपाध्याय जी ने, बहुत ही बेहतरीन फिल्म बनाई है उन्होंने, और मैं उम्मीद करती हूँ दर्शकों को बहुत पसंद आएगा क्योंकि लीक से हटके फिल्म है, और जब नए डायरेक्टर फिल्म बनाते हैं तो उनको ऑफकोर्स थोड़ा सा ऑडियंस का सपोर्ट मिलना चाहिए। चिंटू के साथ काफ़ी आपको दिल में आती थी, अभी शूट उनके साथ अभी काफ़ी चर्चाएं होती रहती हैं कि अफेयर्स की, क्या सच्चाई है? कोई अफेयर्स की चर्चाएं नहीं होती हैं, हम जब फिल्म करते हैं तब उस हीरो के साथ अफेयर हो जाता है, ऐसा न्यूज़ पी मतलब आप पीआरओज़ का ही काम है ये सब, बाकी तो जनरली ऐसा कुछ होता नहीं, हमको 25-26 दिन काम करने होते हैं साथ में, हम काम करते हैं वो अपने घर हम अपने घर, बात वहाँ खत्म हो जाती है, लेकिन आप 26-27 दिन अगर किसी के साथ रहेंगे तो बातचीत तो होगी ही ना, अब आप ऐसे तो मुँह फुला के तो रह नहीं सकते, तो ये सब कहने की बात है, ट्यूनिंग सबके साथ अच्छी है। कपिल शर्मा के बारे में और मैंने जब उनका लेटेस्ट कॉन्ट्रोवर्सी जब मुझे पता चला, ऑफकोर्स दुख की बात है, पहली चीज़ आज उन्होंने पहली बार अपनी सारी चीज़ों का खुलासा किया है, अदरवाइज़ हम लोग भी ये सोच रहे थे कि वो नेगेटिव हो गए हैं कि उनपे स्टारडम का ये सारी चीज़ें हो गई, लेकिन अब जब उनकी सारी चीज़ें आर्टिकल्स में मैंने पढ़ी तो बहुत दुख की बात है, क्योंकि आप जब जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं और वो लोग जब आपको चीट करते हैं ना तो ऑफकोर्स बहुत बुरा लगता है, और जब इस स्टारडम के इस लेवल पे आके अगर होता है तो वो बहुत ज़्यादा। चलिए, बॉलीवुड में बहुत सारे ऐसे मामले आ रहे हैं जो लड़कियाँ लड़की के ऊपर FIR करती है या चीट करती है, चीज़ों के लिए कुछ कहना चाहेंगे लड़कियों को? जी बिल्कुल, देखिए पहली चीज़ तो अगर जैसे मैं कपिल शर्मा जी का ही केस ले लेते हैं, तो उन्होंने अपनी बातों में कहा है कि वो दोनों उनके काफ़ी क्लोज थी, मेरा उनका सारा काम संभालती थी, तो कुछ टाइम के बाद सारी चीज़ें हो जाना, तो जब आपके ऊपर कोई इतना ज़्यादा ट्रस्ट करता तो आपको पहली चीज़ तो मिसयूज़ भी करती है लड़कियाँ बहुत सारी चीज़ों का, वो भी गलत है, अगर कोई बंदा आपके ऊपर ट्रस्ट कर रहा है आपके काम के ऊपर ट्रस्ट कर रहा है तो आपको पहली चीज़ चीट नहीं करना चाहिए, इतने साल काम करने के बाद फिर आप उनके ऊपर केस करो कि उन्होंने मेरे साथ ये किया वो किया, तो वो गलत है, और अगर अभी तो केस हुआ है सारी चीज़ें बाहर आएंगी धीरे धीरे, अगर सही है तो ठीक है, लेकिन अगर ये चीज़ पूरे न्यूज़ अफवाह वो जो लड़कियों ने फैलाई अगर वो गलत है तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है। अब यहाँ पे आप दोषी किसको मानती हैं? दोषी मैं बाहर तक बात आना जो आ जाती है, कपिल शर्मा जी को दोषी मानती हूँ, क्यों रीज़न है उसका, आप अगर स्टारडम के उस पड़ाव पे हैं तो आपको ऐसे ब्लाइंडली आप ट्रस्ट किसी पे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपने वो स्ट्रगल देखा है, आपने वो सारी चीज़ें देखी हैं, आपको पता है कि एक स्टार बनने के बाद आपके ऊपर उंगलियाँ भी उतने ही आसानी से उठ सकती हैं, उतने ही जल्दी आपके कॉन्ट्रोवर्सी भी क्रिएट हो सकती है, तो आपको इन सब चीज़ों का खुद ध्यान रखना चाहिए, और इतने साल के बाद आपको पता चल रहा है तो वो बहुत ज़्यादा शॉकिंग है। आई थिंक कपिल शर्मा जी को भी केयरफुल होना चाहिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा नेगेटिव पब्लिसिटी बहुत गलत है, क्योंकि उन्होंने इतना स्ट्रगल देखा है, बहुत मेहनत करके वो इस मुकाम पे पहुँचे हैं, ऑडियंस ने बहुत प्यार दिया, मैं भी उनकी खुद बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, तो इस टाइम ये पोजीशन पे आ गई, ये इतनी सारी नेगेटिव चीज़ें गलत हैं, कि वो ऑडियो मैंने भी सुना है, पूरी सच्चाई क्या है वो तो उनको नहीं पता, लेकिन ऑडियो में जो है उस हिसाब से तो वो जो उनका टोन है वो गलत है, हो भी सकता है कि सर इतनी सारी चीज़ों को लेके वो फ्रस्ट्रेट हो चुके होते हैं, क्योंकि आप जब एक पोजीशन पे होते हैं तो जब इतनी सारी चीज़ें आती हैं तो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन लेवल आ जाता है, हो सकता है वो फ्रस्ट्रेशन लेवल में कुछ, क्योंकि क्या होता है ना बॉलीवुड में आप ये चीज़ भी देखिएगा कि मीडिया बहुत पर्सनली इन्वॉल्व हो जाती है आर्टिस्टों की लाइफ से, तो हो सकता है उस चीज़ से उनको कुछ ज़्यादा इरिटेशन हो गया होगा, उन्होंने गुस्से में बोल दिया होगा, हो सकता है सबको गुस्सा आता है निकल गया होगा, इसका मतलब ये नहीं कि वो उनका कैरेक्टर, आप गुस्से से उनका कैरेक्टर डिफाइन नहीं कर सकते। प्रियंका, अगर कॉल आएगा तो आप जाइएगा? बिल्कुल, मैं बिग बॉस की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मैं हर सीज़न अगर मैं फ्री रहती हूँ तो मैं सीज़न देखने की कोशिश करती हूँ, मैं लास्ट ईयर का भी सीज़न देखा था, उससे पहले के भी सीजन देखे थे, तो आई एम बिग फैन ऑफ बिग बॉस, होप सो अगर मुझे आता है कॉल तो मैं ऑफकोर्स जाना पसंद करूँगा। उसमें जाने के बाद बहुत सारी चीज़ें करने पड़ता है उन लोगों को, नहीं ऐसा ज़रूरी नहीं है, मैं चाहती हूँ, मैं इसलिए जाना चाहती हूँ कि मैं भोजपुरी को रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ, जैसे लास्ट ईयर भोजपुरी में से किसी को नहीं बुलाया गया था, इससे पहले मोनालिसा जी गई थी, लेकिन अगर मुझे आता है तो मैं भोजपुरी को रिप्रेजेंट करूँगी अपने मर्यादा में और अपनी चीज़ों के तरीके से, ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ जाके कुछ ऐसी चीज़ें करें तो ही चलेगा, ऐसा नहीं है। लास्ट ईयर का जो बिग बॉस था सबसे अच्छा वो क्या लगा उसमें? हिना खान। ऑफकोर्स जो लोग देखेंगे वो सोचेंगे, जो बिग बॉस हमेशा देखते हैं सोचेंगे प्रियंका जी को तिगारगी जी को हिना खान पसंद आ रही है, बट ऐसा नहीं है, वो बहुत जेन्यून बहुत लॉयल तरीके से उन्होंने खेला, वो जो थी जैसी थी वैसा उन्होंने खुद को बताया, तो मुझे नहीं लगता कि आप जो हो जैसे हो अगर आप वो खुद को वैसा बता रहे हो तो आप नेगेटिव, सबका अपना एक व्यक्तित्व होता है, सबका अपना एक तरीका होता है, वो वैसे ही है, तो वो हमने उनको वैसे ही पसंद किया, और बहुत बोल्ड है, बहुत बिंदास है,
उन्होंने वुमन पावर का एक नारा लगाया था जो बहुत बड़ी बात है। तो ऑफकोर्स वो लास्ट ईयर का बिग बॉस मैं सिर्फ हिना खान के लिए डेडिकेट करूँगी बिल्कुल। और शुरुआत मैंने की है, बहुत जल्दी गुड न्यूज़ दूँ, कोशिश चल रही है। थैंक यू मैडम।